नमो नमः, सबको मेरा नमस्कार। आज हम संधि में जो हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें संधि का जो पहला मुख्य भेद है स्वर संधि, उसमें हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ ली है, मैंने आपको समझा दी है। आज हम स्वर संधि का दूसरा जो भेद है यण संधि, उसके बारे में समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यण संधि क्या है, तो यण संधि मैं समझाऊंगी। इसमें सूत्रम है इकोयणची। इकोयणची, इकोयणची का अर्थ है कि इक को यण हो जाता है यण संधि में। अब इक समझ लीजिए, इक है ई ऊ री ली और यण है य व र ल। इक को यण हो जाता है यण संधि में, क्रम से ई को य हो जाएगा, ऊ को व हो जाएगा, री को र, री को ल, क्रम से ये होते हैं। उदाहरण में मैं आपको समझाऊंगी। यण संधि की अब आप परिभाषा समझ लीजिए। ई ऊ री ली, ई ऊ री तथा ली स्वरों के बाद इनसे भिन्न स्वर, स्वर का दूसरा नाम मैंने अच बताया है, अच वर्ण, स्वर वर्ण होने पर ई ऊ री ली को क्रम से य व र ल हो जाता है। जैसे उदाहरण है, क्रम से मैंने बता दिया कि ई ऊ री ली को य व र ल हो जाता है। उदाहरण से अब आप इसको समझिए। इति जमा आदि, इति के आगे अ स्वर है, ई से भिन्न अ स्वर है। अब इति, इति में ई, ई को य हो जाएगा, मैंने समझाया था ई को य क्रम से हो जाएगा, तो ई के स्थान पर य लिख देंगे और त, त अधूरा रहेगा, इत्यादि, इत्यादि, ई त ई के स्थान पर य, इत्यादि। आगे है वधु जमा आज्ञा। अब क्रम से ऊ को व, ऊ के स्थान पर व, यहाँ बताया था क्रम से ऊ के स्थान पर व, तो वधु जमा आज्ञा, वधु आज्ञा। ध, ध का ऊ व में बदल गया तो ध अधूरा है, वधु आज्ञा, वधु आज्ञा, आज्ञा इसमें मिल गया। आगे पितृ जमा आज्ञा, री को र, री को र हो जाएगा, पितृ, पितृ में री को र हो गया। यहाँ पे त जमा र, त जमा र जब आपस में मिलते हैं तो त्र वर्ण बनता है, बन गया पित्राज्ञा। उसके बाद है लृ जमाकृति, तो लृ का शेष रहेगा ल, ल जमाकृति, लाकृति। इस तरह से आप यण संधि को समझिए। यदि आपको कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।